हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग दीप शिघाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन में सभी का स्वागत है आज हम फूल बंगला बनाने वाले हैं अपने काना जी के लिए तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया हुआ है और ये बड़ा सा लेने के बाद इसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है अब इसको कट करूँगी तो कट करने के बाद देखिए ये पहला जो है हमारा कटिंग तैयार हो गई है इसी तरह से दो और भी कट करने हैं तो तीन मिला के हो जाएंगे सेम साइज़ की कटिंग करनी है उसके बाद मैंने लिया हुआ है एक रेड कलर का पेपर जिसमें मैंने पतली पतली सी इस तरह की कई सारी जो है पट्टियों को काट के रख लिया है आप मल्टी कलर भी इन पट्टियों को यूज़ कर सकते हैं जाली बनाने के लिए तो सबसे पहले पट्टियाँ आपको कट करनी है अब जो कार्डबोर्ड है हमने लिया हुआ है इसके ऊपर सबसे पहले मैं फेबिकॉल लगा रही हूँ चारों तरफ अच्छे से इसको पहले से ही लगा लेंगे और फिंगर से मैंने इसको फैला लिया है जिससे कि एक बार में ही हमारा जो है सारी हम जो हमने लाल रंग की पट्टियाँ काटी हुई हैं वो आप इसमें आसानी से चिपका सकेंगे तो अगर आप चाहते हैं तो एक ही कलर की ये जाली बना सकते हैं अगर आप मल्टी कलर यूज़ करेंगे तो आप अलग अलग इस तरह से पट्टियों को कलर की यूज़ कर सकते हैं जो देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि फूल बंगला जितना कलरफुल देखने में लगेगा उतना और भी सुंदर लगेगा तो पहले मैंने ये सारी पट्टियों को एक डायरेक्शन में चिपकाया हुआ है अब एक्स्ट्रा पार्ट मैं कट कर दे रही हूँ जिससे कि ये हमारा जो है यूज़फुल भी नहीं है और ये एक्स्ट्रा इसलिए मैंने हटा दिया है पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम बैक साइड में रखेंगे अब ये चिपक चुकी हैं अब दूसरी डायरेक्शन में हम सारी पट्टियों को चिपकाएंगे जिससे कि एक नेट वाली जो जाली होती है वो पूरी बन के तैयार हो जाएगी अब इस डायरेक्शन में इन सारी पट्टियों को आपको चिपकाना होगा और बहुत ही आसान तरीके से आपका ये पूरा फूल बंगला बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाएगा अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है तो देखिए ये जाली जो है हम बैक साइड रखेंगे और ये रखेंगे हम अपना फ्रंट साइड पे जिसको मैंने पूरा ब्राउन कलर से पहले ही कवर कर दिया है कलर कर दिया था मैंने अब उसके बाद मैंने कलरफुल कुछ पेपर्स लिए थे जिनको सर्कल की शेप में कट किया है ऑरेंज है पिंक है डार्क ब्लू है तो देखिए सभी में आपको डिज़ाइन भी दिख जाएगी कि सर्कल में मैंने किस तरह से कट जो है निशान बनाए हुए हैं और उसके बाद उनको कट करूँगी तो ये जो फूल हम बना रहे हैं सेम साइज़ के ही सर्कल रखिएगा आप बड़े छोटे बनाना चाहते हैं तो आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं आप कटिंग करने के बाद ये सारे फूल हमारे बन तैयार हो गए हैं जिसको मैंने सभी डिफरेंट डिफरेंट जो है डिज़ाइन का बनाया हुआ है क्योंकि ये जितना कलरफुल दिखेगा जितने ज़्यादा फूल इसमें दिखेंगे उतना ही फूल बंगला हमारा अच्छा लगेगा और सभी चीज़ें आप घर बैठे बना सकते हैं आपको ना फूल बाहर से लाने पड़ेंगे ना ही जाली बाहर से लानी पड़ेगी आपको सिर्फ कार्डबोर्ड और पेपर चाहिए होगा और एक बेहतरीन फूल बंगला आपके बाल गोपाल का बन घर में तैयार हो जाएगा अब बीच से कट करने के बाद एक पत्ती को दूसरे पत्ती के ऊपर मैंने इसलिए चिपकाया है कि जो फूल का आकार होता है बाहर उभरा हुआ और वो हमें मिल जाएगा आसानी से क्योंकि अभी ये जो पत्ती कटी हुई दिख रही थी वो प्लेन पेपर सा दिख रहा था पर अब ये एक कली की तरह दिख रही हैं तो इसलिए आपको सभी फूल को इस तरह से कट करके करना है और बाद में इसके अंदर मैं जो है एक पॉम पॉम भी रख दूँगी जिससे कि फूल के अंदर कलरफुल जो उनके बीज होते हैं वो भी बन के तैयार हो जाएंगे तो ये कई सारे देखिए मैंने बना के तैयार कर लिए हैं अब इसको मैं चिपकाऊँगी हमारा जो फ्रंट वाला फूल बंगला है उसमें तो इस पार्ट में मैंने चिपकाना है पहले मैंने ऑरेंज ब्लू पिंक इसी कॉम्बिनेशन में इसको पूरा कवर करेंगी और सबसे नीचे मैंने जो है पर्पल कलर के जो बड़े बड़े फूल हैं उनको चिपकाया हुआ है तो पहले इसको पूरा कवर करना है आपको और बहुत ही आसान तरीका है आपका ये फूल बंगला बनाने का देखिए ये पूरा बनके तैयार हो गया है अब चिपका दिए हैं मैंने बड़े फूल भी इसमें अब ये आप देख रहे हैं साइड वाला पोर्शन अब बीच वाले पोर्शन को और साइड वाले को आपस में चिपका देंगे बीच वाले में मैंने जाली बनाई है साइड वाले में नहीं बनाई है आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप दोनों में जो है कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा खुला हुआ भी दिख रहा है जो कि गर्मी के पर्पज से भी अच्छा है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है तो आप भी जल्दी से इसको बनाइए अपने बाल गोपाल के लिए स्पेशली गर्मियों के लिए जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखेगा उसमें आप जब उनमें उनको बिठाएंगे और जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ करेंगे उतना ही फूल बंगला आपका और भी अच्छा लगेगा तो सस्ता और सरल तरीका है इतना सुंदर फूल बंगला बनाने का अब आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलेगा साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि की आगे भी आपके साथ नई वीडियोस जो है शेयर हो पाएंगी साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग राधे राधे